बैठे बैठे मैं आपके सामने तीन ऐसे ऐसी रख सकता हूँ जो प्रूव करते हैं कि या प्रूव नहीं करते बट इनका मैं कोई आपको को रिलेशन यू नो you know, बना के आपको बता सकता कि ये पैरानल होते हैं राइट जैसे सबसे फेमस जो इक्वेशन है आइंस्टाइन का राइट एनर्जी इज इक्वल टू मासवल टू एम सी तो इसका मतलब क्या है कि कहाँ भी जहाँ भी एक एनर्जी प्रेजेंट है वहाँ पे उसका एक इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट होना चाहिए राइट right? तो अगर मैं मास की बात करा वो हमारी बॉडी हो गई एनर्जी की बात करें वो हमारी आत्मा हो गई है सोल या स्पिरिट जो भी आप बोल लो राइट right? तो हमारे बॉडी में भी एक एनर्जी है मैं ऐसा प्रूव कर सकता हूँ आपको हेलो गाइस वेलकम टू द हॉन्टेड शो आज हमारे साथ है सिद्धार्थ जी जो जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर है आज वो हमारे साथ आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हाय सिद्धार्थ जी हाय थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक साइंस पे बिलीव करता है तो आप ये प्रूव uh, कर सकते हो कि uh, ये सब एग्जिस्ट करता है करके सो so, देखिए ये एक चीज़ आई थिंक है जो uh, हमें खुल के और ज़्यादा बात करनी चाहिए राइट right? uh, जैसे पैरानॉर्मल रिसर्च या मेटाफिज़िकल रिसर्च ये जो चीज़ें हैं ऑल्दो उसमें फिजिकल वर्ड इन्वॉल्व है फिजिक्स uh, वर्ड कुछ लोग उसे मेटाफिज़िक्स बोलते राइट बट ऑन अ लार्जर स्केल अगर आप देखते हो तो इन चीज़ों को एक टर्म दिया जाता है राइट right? उस टर्म का नाम है सूडो साइंस राइट सूडो मतलब फेक या फॉल्स राइट right? और फॉल्स साइंस इसको बोलते है. अब इसको क्यूँ स्टूडो साइंस बोलते हैं इसके पीछे भी एक रीज़न है राइट द द रीज़न बींग इज़ कि इसके ऊपर उतना रिसर्च हुआ ही नहीं है या उसके पीछे ऐसे आप कोई फैक्ट्स या फिगर्स या डेटा अगर आप ढूंढने जाओगे तो शायद आपको मिलेगा भी नहीं राइट ऑल्दो पैरानॉमल एज अ फील्ड की अगर आप बात करोगे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि ये फील्ड की शुरुआत कहाँ से हुई थी तो आप नाइनटीन सेंचुरी में जाओगे तो नाइनटीन सेंचुरी में वहाँ पे एक रिसर्चर थे उनका नाम था चार्ल्स फोर्ट राइट right? uh, उन्होंने ये टर्म जो है पैरानॉमल उनसे शुरुआत की थी uh, कहीं ना कहीं शायद उनके साथ या उन्होंने uh, जो उनके आसपास लोगों के साथ ये घटनाएं हो रही थी उसको उन्होंने अच्छे से कलेक्ट किया और उन्होंने एक टर्म का इजाद किया जिसका नाम है पैरानॉमल जिसको आज हम पैरानॉमल बोलते हैं राइट पैरानॉमल इन सेल्फ का डेफिनेशन है समथिंग दैट इज़ नॉट नॉर्मल राइट समथिंग दैट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड एक ऐसी चीज जो आप खुद से दोबारा उसको यू you नो know, उसको रिक्रिएट करके उसको लोगों को बता नहीं सकते हो कि ये हुआ था आपके साथ राइट right? सो so, इसको अगर मैं एक क्लोज स्पेस में या एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में मैं दोबारा उसको करने की कोशिश करूं तो वो रिजल्ट वो नहीं होगा जो वो पहले बार हुआ था मेरे साथ राइट right? इसलिए उसको हम पैरानामल बोलते ठीक है अब इसको चलते हुए आ, लोगों का ये मानना था या जो आप साइंटिफिक कम्यूनिटी बोल लो उनका एक आ, ये चीज़ पर वो अड़े रह गए कि यू नो अगर ऐसे कोई चीज़ है जिसे आप पैरानामल बोलते हो तो हमारे सामने भी उसको होना चाहिए या हम जो जगह पे एक्सपेरिमेंट uh, करते चाहे वो एक साइंटिफिक लैब हो चाहे वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हो चाहे वो एक यू uh, नो you know, एक फिल्म का एक मूवी का सेट हो उसके अंदर आप वो एक करके बताओ तो हम मानेंगे उसमें राइट तो ये तो करना पॉसिबल ही नहीं अगर ये करना अगर वो नॉर्मल होता तो फिर उसको पैरानॉर्मल टर्म हम कभी देते ही नहीं राइट दुनिया में ऐसे कई सारे चैलेंजेस आए राइट right? जैसे एक एक सर थे जिनका नाम था रैंडी राइट right? तो जेम्स रैंडी या चार्ल्स रैंडी आई डोंट रिमेंबर इज नेम आई थिंक जेम्स रैंडी था उनका नाम तो उन्होंने एक चैलेंज किया था रैंडीज़ चैलेंज करके तो उनका चैलेंज ये बोलता था कि अगर कोई भी इस दुनिया में ये पैरानामल वर्ल्ड के अंडर जो जो चीज़ें इन्वॉल्व होती है चाहे वो साइकिक एक्सपीरियंस हो चाहे वो यू you नो know, बिना चीज़ों को हाथ लगाए उन्हें मूव करना हो जिसे लोग टेलीकेनिस भी बोलते हैं साइकोकेनिस बोलते हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट को आप हमारे सामने लाइव करके बताइए तो हम मानेंगे पैरानाम होते राइट उसके अंदर ये भी एक चीज़ था एक पॉइंटर था कि अगर आप हमें भूत या स्पिरिट का प्रेजेंस हमारे सामने प्रूव करके बताओ तो हम मानेंगे अब इन चीज़ों को करने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने सेट किए थे वो ऐसे सेट किए थे जैसे मैं आपको अगर बोलूँ चलो आप मुझे पानी के ऊपर यू नो आग लगा के दिखाओ बिना कोई केमिकल ऐड के राइट एक माचिस की तिल्ली जला के पानी के ऊपर या ये जो ग्लास है उसके ऊपर मुझे जिसमें पानी भरा हो उसके ऊपर आग लगा के बताओ बिना कोई केमिकल के तो आपको ही पता है कि ये साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है साइंटिफिकली छोड़ो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है करना राइट बिकॉज वो दो अलग अलग हम चीज़ों की बात कर रहे हैं राइट तो ये चलते हुए ये मूवमेंट की वजह से कहीं ना कहीं यू नो साइंटिफिक कम्युनिटी ने और मैं ये भी मानूंगा कि ऐसे कुछ लोग थे या ऐसे कुछ ब्लैक शीप थे हमारे कम्युनिटी में जिन्होंने पैरानोमल को यूज़ करके यू नो लोगों का कहीं ना कहीं नुकसान किया या खुद का फ़ायदा करवाने के लिए लोगों का नुकसान किया तो ये सब चलते हुए यू नो ये फील्ड को एक नेगेटिव क्या बोल सकते हैं आप एक तरह से एक यू नो एक नेगेटिव उसका एक इमेज बनता गया या एक यू नो लोगों के मन में एक ऐसा चलता एक ऐसा एक सेट हो गया कि यू नो ये फील्ड में जितने लोग काम कर रहे वो सब लोग या फिर फेक है या फिर लोगों का फ़ायदा उठाने हैं राइट और कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक जो हमारी कम्युनिटी थी उन्होंने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू किया हमसे पूछने लगे कि क्या आप प्रूव कर सकते हो क्या साइंस में ऐसे कोई भी थियोरीज या लॉज बने राइट अभी देखो बैठे बैठे मैं आपके सामने तीन ऐसे थियोरीज रख सकता हूँ जो प्रूव करते हैं कि या प्रूव भी नहीं करते बट इनका में कोई आपको को यू नो आ, बना के आपको बता सकता हूँ कि ये पैरानामल होता है राइट right? जैसे सबसे फेमस जो इक्वेशन है आइंस्टाइन का राइट एनर्जी इज इक्वल टू मास राइट ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर तो इसका मतलब क्या है कि जब कहाँ भी जहाँ भी एक एनर्जी प्रेजेंट है वहाँ पे उसका एक इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट होना चाहिए राइट right? तो अगर मैं मास की बात कर रहा करा वो हमारी बॉडी हो गई एनर्जी की बात करें वो हमारी आत्मा हो गई है सोल या स्पिरिट जो भी आप बोल लो राइट right? तो हमारे बॉडी में भी एक एनर्जी है मैं ऐसा प्रूव कर सकता हूँ आपको राइट right? या फिर मैं जो आप देखते हो न्यूटन्स के लॉ होते हैं राइट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स राइट right? कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर राइट तो मैं इससे क्या प्रूव कर सकता हूँ कि हमारे अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है हमारे मरने के बाद भी वो जिंदा रहती है बस इतने है कि वो एक अलग बॉडी में या एक अलग फॉर्म में लेके यू नो एक अलग शेप लेके अलग जिंदगी शायद जीना शुरू करती होगी अभी ये मैं हूँ जो इन चीज़ों को जोड़ के आपको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ राइट या फिर एक और एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम था ड्यूएल ड्यूएल uh, स्लिट थियोरी राइट right? जिसको एक रिसर्चर जिनका नाम था थॉमस यंग उन्होंने ये प्रूव किया था जहाँ पे उन्होंने एक एपेरेटस ऐसा बनाया था जिसमें से यू नो वो एक पर्टिकुलर एटम को एक वॉल पे शूट करके बता रहे थे और उसमें ये प्रूव कर रहे थे कि ये एक एटम जो है उसके दो प्रॉपर्टीज़ है एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो आप देख सकते हो और एक और एक ऐसा प्रॉपर्टी है उसके साथ जो एनर्जी फॉर्म में प्रेजेंट है तो इससे मैं आपको ये प्रूव कर सकता हूँ कि अगर एक एटम के दो प्रॉपर्टी है ड्यूएल कैरेक्टरिस्टिक्स तो ह्यूमन बॉडी के ड्यूअल करेक्टर क्यों नहीं हो सकते राइट right? कि हम एक फिजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं और हम एक यू नो मेटाफिजिकल फॉर्म में भी हो सकते जो हम एनर्जी बोलते राइट right? तो ये सब के चलते हुए ये देखो ये सब थियरीज है ये सब इक्वेशंस है जिसको मैं जोड़ मोड़ के आपको इजीली बता सकता हूँ कि देखो भाई मैं ये, अगर ये थियरीज यू नो ये रिसर्चर्स ने बनाई है तो इसके पीछे ये भी मतलब होता होगा राइट right? उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ऐसे बहुत सारे जानी मानी जाने माने यू नो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फील्ड में बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया राइट जैसे आइंस्टाइन की हमने बात की न्यूटन की हमने बात की ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इक्विपमेंट्स बनाने में आइंस्टाइन ने इनफैक्ट मैंने उनके कई सारे किस्से सुने जहाँ पे यू नो उन्होंने एक डेडिकेटेड रिसर्च शुरू किया था पैरानामल फील्ड को फील्ड के तरफ राइट ऑल दो ऑल दो अगर आप मुझे पूछते हो कि आपके पास क्या कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है ये प्रूव करने के लिए नहीं बट आप ऑनलाइन आप सर्च करो फेमस साइंटिस्ट हु वर्कड इन द फील्ड ऑफ पैरानोमल रिसर्च आपके पास बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे राइट ऐसा नहीं है कि ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए सच है आप खुद देख जाके देख सकते हो ओके बट ये अगेन एक तरीका है मेरा एज अ पैरानोमल रिसर्चर ये साबित करने का कि नहीं आपको मेरे फील्ड को या आपको पैरानोमल रिसर्च को एक्सेप्टेंस देना ही होगा mm. देखो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत साफ सीधा है कि अगर आपको उस फील्ड में मानना है आप मानो नहीं मानना है आप मत मानो mm. राइट खामखा किसी को अटैक करने में कोई पॉइंट नहीं है राइट ऑल दो यस कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अटैक करना ज़रूरी है क्यों क्योंकि वो इस फील्ड से या फिर पैसा कमा रहे या फिर लोगों के मन में डर पैदा करें राइट right? uh, जैसे कोई कोई बोल देता था आंतरिक आके कि मैं काला जादू करके आपके जो भी ड्रीम्स है आपके जो भी विशेष है वो पूरा करूंगा mm. या यू you नो know, uh, छोटे छोटे बच्चों को uh, एग्जॉसिज्म के नाम पे उनको एक्सप्लॉयट करना राइट ऐसे कई सारे किस्से आपने देखे होंगे बाहर जिन पे लोगों ने यू नो ये किया कई सारे लोग थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट फाइट किया जिनके लिए मुझे भी आज बहुत रिस्पेक्ट है राइट जैसे हमने ऑफ कैमरा हम दा जी की बात करे रहे थे राइट रहे? उन्होंने पूरी जिंदगी आप आ, अपनी इस फाइट में लगा दी कि लोगों के मन से वो डर भगाए कहीं ना कहीं वो काम जो वो कर रहे थे लोगों के मन आ, मन से डर हटाना वो काम हम भी करें बट हमारा तरीका अलग है जस्ट दैट हम जाके ऐसे लोगों को चैलेंज नहीं कर रहे या हम जाके ओपनली किसी के अगेंस्ट कुछ बोलने रहे इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहते हैं कि लोगों के मन में डर रहे हम अपना काम जो है वो एक साइंटिफिक दायरे में रह के राइट जैसे मैंने आपको बोला था पैरानामल रिसर्च जो है वो एक तरह का फॉरेंसिक साइंस है राइट वो एक तरह का हम हम कभी भी किसी भी कंक्लूजन में बिना एविडेंस कलेक्ट किए हम आएंगे ही नहीं राइट अगर हमें कोई कोई भी इंसान हमारे अप, अपने खुद के घर में हमें बुला रहा है ये बोल कर कि हमारे घर में यू नो ऐसे कुछ एक्टिविटी हो रही तो हम घर में घुसते ही ऐसे नहीं बोलेंगे कि हाँ हमें ये फील हो रहा है यू you नो know, हमें डर लग रहा है हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं हम बेहोश हो रहे हैं ये नहीं होगा जब तक हम उस जगह पे नहीं बोलकर भी हम अगर चार पाँच घंटा बिता रहे वहाँ हम हमारे हमारे इक्विपमेंट्स लेके हम वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं यू नो लाइक वी नीड टू फाइंड एटलीस्ट वन कंक्लूसिव एविडेंस टू कम टू दैट पर्टिकुलर कंक्लूजन तो जब तक हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होगा हम कभी भी ये किसी के भी सामने ये स्टेटमेंट दे नहीं देंगे कि ये जगह हॉन्टेड है राइट right? तो इतना करने के बाद भी अगर हमें टारगेट किया जाता है यू you नो know, अगर हमें रैशनलिस्ट सोसाइटी से ये सारे बातें सुनने में मिलती है कि हम गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं ये वो राइट अभी यही चीज़ आप मान लो यही चीज़ अगर रैशनलिस्ट सोसाइटी जो है या ऐसे जो कम्युनिटीज है जो पैरामल रिसर्चर्स को टारगेट करते क्या वो ये सेम चीज़ जो सदियों से मैं उस जगह का नाम नहीं लेना चाहूँगा बट सदियों से एक ऐसा जगह हमारे देश में मौजूद है जहाँ पे ऐसा बिलीव करते कि वहाँ पे अगर कोई पोजेस्ट आप उनको लेके जाओ तो वहाँ पे वो जो भी वहाँ पे बाबा या जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है वो उस चीज़ को क्योर करेंगे लेकिन इन जगहों पर आप कभी नहीं देखोगे ये लोग आके उन जगहों के बारे में कभी गलत स्टेटमेंट नहीं देंगे क्यों क्योंकि उनके पता है कि अगर उन्होंने किसी के धारणा को ठेस पहुँचा किसी को किसी के बिलीफ पर उन्होंने अटैक किया तो उसका कॉन्सिक्वेंस उन्होंने देख लिया क्या होता है राइट right? तो मेरा ये मानना है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए येस yes, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कोई भी आके कल खुद को पैरानामल एक्सपर्ट बोल के लोगों का फ़ायदा उठाना चाहिए राइट right? बट जो ये फील्ड में जेन्यूनली काम कर रहे हैं आप अगर उनको सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट उनके बारे में गलत बातें बोलकर या गलत उनके अगेंस्ट एक्विजीशन लगा के यू नो एक्विजीशन लगा के कि ये लोगों से पैसा ठग रहे या ये फेक लोग लोगे ये सब बोलना एटलीस्ट आप बंद कर सकते हो ये इतना हमें सपोर्ट शायद मेरा एक्सपेक्ट करना एज अ रिसर्चर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है राइट hmm. right? तो ये कुछ चीज़ें हैं और मैं मानता हूँ मैं हंड्रेड परसेंट यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ uh, कि पैरानल रिसर्चर्स भी अपने आप को अच्छे से हंड्रेड परसेंट यू नो अभी तक बता नहीं पाए hmm. कि वो एक्चुअली क्या काम करते हैं और उनको क्या करना है राइट hmm. right? कहीं ना कहीं कमी हमारे में भी है लेकिन कहीं ना कहीं कमी यू नो द साइंस कम्युनिटी में भी है hmm. कि वो उन्होंने कभी ना हमारा साथ दिया ना इस फील्ड को अंडरस्टैंड करने लिए उन्होंने कुछ अलग इनिशिएटिव लिए राइट right? मेरे साथ और एक छोटा घटना हुई थी वो मैं आपसे शेयर करता हूँ जैसे मुझे यू नो अहमदाबाद में मुझे बुलाया गया था एक आ, एक पर्टिकुलर साइंस कॉन्फ्रेंस के लिए hmm. और वो चाहते थे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ हालांकि मुझे पता नहीं था कि वो जो पूरा सेटअप था वो उस वो ऐसा सेटअप था कि मैं वहाँ पर जाऊँ उनके अपने कुछ साइंस कम्युनिटी के लोग बैठे होंगे और वो मेरे साथ डिबेट करेंगे तो मैं अकेला पैरानामल रिसर्च की तरफ से खुद को जो ये कर रहा था रिप्रेजेंट कर रहा था और वो कहीं करीब करीब आई थिंक छः सात लोग बैठे थे राइट तो जैसे मैं अपना सेशन शुरू करता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अभी मेरे मन में ये जो चीज़ के लिए मुझे बुलाया गया था वो चीज़ के वो चीज़ सिर्फ एक्सपीरियंस शेयरिंग था मुझे ऐसा लगा मुझे ये कभी नहीं ब्रीफ किया गया था कि यहाँ पर डिबेट होने वाला है तो राइट और जैसे ही मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जैसे ही मेरा हो जाता है इमीडिएटली मुझे क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू होता है राइट right? और सीधा सीधा वो एक ही सवाल पूछते कि आप बोल रहे हो कि भूत होते हैं चलो आप भूत का एक सिंपल डेफिनेशन दो या भूत का आप किसी भी यू नो साइंटिफिक लॉ लॉ के चलते हुए आप इसे रिलेट करके हमें बताओ या आप हमें ये बताओ कि कौन सी किताब में मेंशन की गई है कि ऐसे कुछ एनर्जीज एग्जिस्ट करते या आप हमें एक सिंपल एनर्जी का डेफिनेशन दो या आप हमें इस चीज़ का साइंटिफिक फार्मूला दो कहीं ना कहीं शायद मैंने उस दिन उस दिन मैंने सीखा ये चीज़ कि हाँ यू नो पैरानामल रिसर्च में अभी बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना हमारे बिहाफ पे बहुत सारी चीज़ें बाकी है जिसे हमने अब तक शायद अंडरस्टैंड नहीं किया या हमने शायद इनिशिएटिव भी ना लिया हो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने बट मुझे ये भी क्लियर कट समझ में आया कि मे बी आई डोंट और कितने साल लगेंगे कि एक साइंस कम्युनिटी को यू you नो know, हमारे साथ मिलकर या हमारे साथ हाथ बटाकर हम उस चीज़ के तरफ काम करें ऑल वेस्ट में मैं देखता हूँ ये चीज़ अभी हो रहा है स्लोली राइट right? uh, तो वहाँ पे डॉक्टर चोपरा करके एक बहुत ही फेमस डॉक्टर है उन्होंने uh, बहुत सारी किताब लिखा है इस फील्ड में वो एक एक्चुअली एक मेडिशनल यू नो मेडिकल प्रैक्टिशनर है बहुत ही फेमस है सर्जन uh, है वो इनफैक्ट राइट right? और उन्होंने इस फील्ड में भी काम किया तो वो साइंस कम्युनिटी के होते हुए उन्होंने पैरानोमल फील्ड में भी काफ़ी सारे उनके कॉन्ट्रीब्यूशन रहे सो so, वो आज भी बहुत सारे डिबेट्स पे बहुत सारे यू नो लाइव शोज पे जाके अपने ये जो एक्सपीरियंसेस है उसके बारे में शेयर करते और हालाँकि प्रूव करने की कोशिश करते हैं इस फील्ड को बट उनको भी बहुत टारगेट किया जाता है so, सो उनको भी पूरे पूरे ऐसे यू you नो know, एक कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाकर कर जहाँ पर पूरी ऑडियंस साइंस कम्युनिटी की है, वो अकेले पैरानल रिसर्च की तरफ से बोल रहे तो उनको वहाँ पर बिठा के क्रॉस क्वेश्चनिंग करके यू नो कहीं ना कहीं एक तरह से मैं बोल सकता हूँ टारगेट किया जाता है या फिर जेनवनली शायद उनसे ये एक्सेप्ट करवाने को वो बहुत ही uh, कोशिश करते कि उनको चीज़ें पता ना हो या ये पैरानॉमल फील्ड जो है एक मन फील्ड है तो इवेंचुअली वो स्ट्रगल जो एक आप देखते हो एक पैरानामल फील्ड को राइट right? तो एक तरह से आप देखते हो पूरी साइंस कम्युनिटी यू नो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है एक तरह से ऐसे लोग आएंगे जो यू you नो know, इस चीज़ को uh, कहीं ना कहीं समझना चाहते लेकिन समझ नहीं पाते तो ये फील्ड इन दो पोलार्स uh, के बीच में यू नो कहीं ना कहीं दबा हुआ रहता so, है सो एक तरफ बहुत एक्सट्रीम लोग हैं एक तरफ बहुत ही इग्नोरेंट लोग हैं सो so, हम वो बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि जो बहुत ही एक्सट्रीम है जो बोलते कि यू you नो know, हमें सब पता है इस फील्ड के बारे में और जो बहुत ही इग्नोरेंट है जो बोलते हैं कि यू you नो know, हमें तो मालूम ही नहीं करना है इस फील्ड का हमको पता ही है ये फील्ड होता ही नहीं तो उनके बीच का जो एक बैलेंस मेंटेन करने का काम है ये भी एक रिस्पांसिबिलिटी है पैरानोमल रिसर्चर की जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट भी अभी हॉन्टेड प्लेसेस पे लोगों को अलाउ कर रही है विजिट करने के लिए तो इस वजह से धीरे धीरे ये फील्ड uh, में माइंडसेट बदल रहा है लोगों का बहुत लोग क्यूरियस है कुछ लोगों को नॉलेज है कुछ लोगों को नहीं है मगर मुझे लगता है कि धीरे धीरे अभी जैसे गवर्नमेंट बदल रही है वैसे मे बी साइंटिस्ट भी एक पॉजिटिव अप्रोच लेके आप जैसे इन्वेस्टिगेटर्स को uh, मदद करेंगे वही तो होप तो वही है हमें कि हमें यू uh, नो you know, ऐसा साथ मिले तो आइडली देखो हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि हम एक एकमात्र एक सोर्स एक है जो ये चीज़ों की इंफॉर्मेशन देगी अगर दूसरे फील्ड के लोग भी इस सोर्स में जाते राइट जैसे अगर आप हम देखते कि कोई एक इंसान है जो आई आई टी एन है या जो एक मेन स्ट्रीम साइंस फील्ड का कोई मेम्बर uh, है लेकिन वो खुद से इनिशिएटिव ले रहा है इस फील्ड को अंडरस्टैंड करने में तो आई डोंट थिंक हमसे ज़्यादा कोई खुश होगा और ये हो रहा है धीरे धीरे हम ये चेंज देख रहे कि हमारे भी यू uh, नो you know, जब हमें डेली के क्वेरीज जो मिलते तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जिनका स्पेशलाइजेशन साइंस में हो चाहे वो कोई डॉक्टर हो चाहे कोई इंजीनियर हो Uh, चाहे को, you know, uh, कोई यू नो रेडियो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हो चाहे कोई सैटेलाइट नेटवर्क्स में एक्सपर्ट हो सो ये लोग अभी आगे आकर इस फील्ड को अंडरस्टैंड करने का जो इनिशिएटिव है वो सामने से ले रहे सो so, हम लोग भी होपफुल है इस चीज़ के बारे में कि uh, अगर और भी ज़्यादा लोग आए यू नो हमारे काम में हमें हाथ जोड़ कर या जो भी आप हाथ मिलाकर कर हमसे काम करें तो एटलीस्ट एक ये होगा कि यू uh, नो you know, जो एक पर्सपेक्टिव है जैसे आपने बोला एक माइंडसेट है उसका शिफ्ट हम डेफिनेटली देख सकते तो मैं तो पॉजिटिव इस चीज़ को होगा बट कितना टाइम और लगेगा वो उस पर मुझे बहुत बड़ा डाउट है होपफुली ये चेंज uh, जल्द से जल्द होगा और हमारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कम्युनिटी का चीज़ें बदलेंगी ऐसे हम आशा ही कर सकते हैं yes. फ़िलहाल तो सो थैंक यू सिद्धार्थ जी आप हमारे शो पे आए हमें इतनी uh, ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की थैंक यू सो मच फॉर दैट थैंक यू आई होप आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दी हॉन्टेड शो थैंक यू सो मच